हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 नव उदय बैच का, जो हम आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस कर रहे थे, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे को कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, इन रैशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। दो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिखे हैं अगले वाले स्लाइड पे, बाकी के दो भी हम सोल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, इन सबको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ हमारे को इनको लिखना है। सबसे छोटे को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद में सबसे बड़े को सबसे लास्ट में हमें लिखना है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3। जब आप इनका एलसीएम लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, 36। या मैंने कैसे पता किया ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में जो भी एलसीएम होगा ना, वो 18 से तो छोटा नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम 18 हो सकता है, उससे बड़ा ही होगा। तो पहले तो 18 को चेक करके देखा, 18 9 से डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, लेकिन 12 से नहीं हो रहा, मतलब 18 तो एलसीएम नहीं है। फिर 18 का जो भी मल्टीपल होगा ना, उसको मैं कर करके देख रहा हूँ। तो 18 का मल्टीपल क्या है, 36 है। तो 36 में तीनों से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, तो मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अगर 36 में भी नहीं होता तो 54 में करके देखते, तो उसमें भी नहीं हो रहा होता तो उससे अगले में करके देखते। मतलब जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो एक्चुअल में 18 का मल्टीपल ही आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो मैंने डायरेक्ट किया, आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख के भी इनको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को 36 बनाना है। तो 4 अपॉन -9, इसको भी हमें 36 बनाना है। -5 अपॉन 12 में इस 12 को भी कितना बनाना है, 36 बनाना है। 7 अपॉन -18, इसमें -18 को भी 36 बनाना है। और यहाँ पे -2 अपॉन 3, इसमें हमारे को इसको भी क्या बनाना है, 3 को भी 36 बनाना है। तो -9 को 36 बनाने के लिए माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होके 36 बनेगा। तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया माइनस का 16, 4 4 जा 16, प्लस माइनस माइनस हो गया। इसको बनाओगे तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 3 -5 मल्टीप्लाई 3 -15 हो गया। ऊपर नीचे -18 को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन गया माइनस का 14। फिर 3 को क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, माइनस का 22 अपॉन 36। अब हमें क्या करना है, लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के फॉर्म में ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट कैसे पता करेंगे, डिनोमिनेटर सबके इक्वल बना दिए, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वाला रैशनल नंबर भी सबसे छोटा होगा, जिसका न्यूमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो वाला रैशनल नंबर भी सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमिनेटर किसका है, तो देखो -22 सबसे छोटा है सभी नेगेटिव्स में, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। तो -22 अपॉन 36 है सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या होगा, -16 अपॉन 36। फिर उससे बड़ा क्या होगा, -5 अपॉन 12। फिर उससे बड़ा होगा -15 अपॉन 36, और फिर हो गया -14 अपॉन 36। लेकिन हमें तो ओरिजिनल फॉर्म में ये वाले रैशनल नंबर्स नहीं दिए हुए थे, ओरिजिनल रैशनल नंबर्स ये थे, तो इनको इसके हिसाब से लिख देते हैं। -22 अपॉन 36 एक्चुअल में कितना था, -2 अपॉन 3, उससे बड़ा कितना होगा, -16 अपॉन 36, यानी 4 अपॉन -9। फिर उससे बड़ा कितना, -15 अपॉन 36, वो कितना है, -5 अपॉन 12। फिर उससे बड़ा क्या होगा, -14 अपॉन 36, वो कितना है, 7 अपॉन -18। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसको भी हम देखते हैं। तो जब एलसीएम लोगे आप इन सबका, तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 16, 24 वो निकल के आएगा 48। आप खुद निकाल के देख लेना। तो हमें क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर्स को 48 के इक्वल बनाना है। -5 अपॉन 12 में इसको भी क्या बनाना है, 48 बनाना है, सॉरी 12 अपॉन -5। ऊपर क्या है, माइनस एक और है, -7 अपॉन 16 में 16 को भी 48 बनाना है, और 9 अपॉन -24 में इस -24 को भी क्या बनाना है, 48 बनाना है। तो 4 को 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर बन जाएगा माइनस का 36। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। -12 को 48 बनाने के लिए माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 4 जा 48 हो जाएगा। तो ऊपर भी हमें माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 20, 5 4 जा 20, प्लस माइनस माइनस 20 हो गया।
फिर 16 को 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन जाएगा माइनस का 21। माइनस 24 को 48 बनाने के लिए माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होके 48 बनेगा। तो ऊपर भी हमें माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो माइनस 18 हो गया। तो अब देखो इन सब में से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो माइनस 36 अपॉन 48 सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्या होगा, माइनस 21 अपॉन 48, फिर उससे बड़ा होगा माइनस 20 अपॉन 48, और उससे बड़ा हो जाएगा माइनस 18 अपॉन 48। और अगर इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखोगे तो माइनस 36 अपॉन 48 कितना है, माइनस 3 अपॉन 4 था, फिर माइनस 21 अपॉन 48 कितना है, माइनस 7 अपॉन 16 है, उसके बाद में क्या है, माइनस 20 अपॉन 48 कितना था, 5 अपॉन माइनस 12 है, और फिर माइनस 18 अपॉन 48 कितना है, 9 अपॉन माइनस 24 है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बाकी के बचे हुए दो हैं, उनको भी हम सोल्व करते हैं, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 8 का थर्ड और फोर्थ पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। तो सिमिलरली अभी तक आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसी को बार बार अप्लाई करते जाओ, तो जिससे कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले एलसीएम लेना है 5, 10, 15 और इन सब का जब एलसीएम लोगे तो वो निकल के आएगा 60। कैसे पता चला, क्योंकि 20 का ही कोई मल्टीपल होगा तो 40 होगा एक, तो 40 में तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा, 15 से नहीं होता, फिर 60 में तीनों बाकी सबसे भी डिवाइड हो रहा है, तो 60 के आगे एलसीएम आ गया। तो माइनस 3 अपॉन 5 है, इसको 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 36 अपॉन 60 बन गया। ऐसे माइनस 7 अपॉन 10 है, तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 42 अपॉन 60 हो गया। ऐसे माइनस 11 अपॉन 15 है, तो 15 को 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 44 हो गया। ऐसे माइनस 30 अपॉन, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया था इसको, यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने ऊपर नेगेटिव मान लिया, तो आप चाहो तो इसको नेगेटिव मान लो नीचे, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी क्या बनेगा, वही बनेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 5 था, माइनस माइनस प्लस 60 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमिनेटर को भी, तो माइनस 39 अपॉन 60 हो गया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है, जिसका न्यूमिनेटर क्या होगा सबसे छोटा, वो वाला रेस्टा नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। देखो माइनस 44 यहाँ पे सबसे छोटा है, तो माइनस 44 अपॉन 60 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा क्या होगा, माइनस 42 अपॉन 60 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा क्या होगा, माइनस 39 अपॉन 60 हो जाएगा, और फिर अगला आएगा माइनस 36 अपॉन 60 हो जाएगा। इसको ओरिजिनल फॉर्म में अगर दे लिखे, माइनस 44 अपॉन 36, माइनस 44 अपॉन 60 किसका होगा, माइनस 11 अपॉन 15, माइनस 42 अपॉन 60 किसका था, माइनस 10 अपॉन, माइनस 7 अपॉन 10, फिर माइनस 39 अपॉन 60 किसको लिखा हुआ था, माइनस 13 अपॉन 20, और माइनस 36 अपॉन 60 कितना था, 3 अपॉन माइनस 5। तो ये हमने इनको क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब इन सबका जब एलसीएम लेके देखोगे तो वो एलसीएम निकल के आएगा 84, क्योंकि 42 का कोई मल्टीपल होगा, तो 42 में तो इन तीनों से होता नहीं डिवाइड, तो उससे अगला डबल क्या होगा, 42 का डबल 84 होगा, तो वो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा, तो इसको भी 84 बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएं, देखो 12 से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 12 7 जा कितना हो जाएगा, 80, तो 84 हो जाएगा, तो माइनस 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस का 48 बन गया ऊपर। ऐसे ही माइनस 9 अपॉन 14 है, तो इसको करना है, तो इसको क्या करेंगे, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 9 को भी 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना बन जाएगा, नीचे 84 हो गया और ऊपर हो गया माइनस का 54 हो गया, ठीक है। 9 5 जब 54 होता है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो इसलिए, फिर यहाँ पे होगा 13 अपॉन माइनस 28 को 48 बनाना है, 84 बनाना है, तो माइनस 28 को माइनस के 2 माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब 3 से 3 टाइम करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 13 को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 39 हो जाएगा, 13 3 39, और प्लस माइनस माइनस का 39। ऐसे ही क्या होगा, माइनस 23 अपॉन 42 में
42 को 84 बनाना, तो 84 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 46 हो जाएगा। तो अब सबसे छोटा कौन सा है, देखो ये नेगेटिव में जितना बड़ा है वो छोटा होगा, तो माइनस 54 अपॉन 84 सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा क्या होगा, माइनस 48 अपॉन 84 हो जाएगा, 84 है नीचे ध्यान रखना, मैं बार बार शायद गलत बोल रहा हूँ, माइनस 40 फिर उसके बाद में माइनस 46 अपॉन 84 हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, माइनस 39 अपॉन 84। अब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखे, माइनस 54 अपॉन 84 कितना था, माइनस 9 अपॉन 14 था, फिर उससे बड़ा क्या होगा, माइनस 48 अपॉन 84 यानी माइनस 4 अपॉन 7, फिर उससे बड़ा क्या है, माइनस 46 अपॉन 84 जो कितना है, माइनस 23 अपॉन 42, और फिर उससे बड़ा कितना है, माइनस 39 अपॉन 84 यानी कि 13 अपॉन माइनस 28। तो ये हमने क्या कर दिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।